पूरी तरह से टूट गई हूँ। और मैं जो कहूँगी सत्य कहूँगी, झूठ तो नहीं। मैं जहाँ भी जाती हूँ पैसा ही की डिमांड होता है। मैं कहाँ से पैसा दूंगी? मेरी माँ पिता भी है नहीं। मेरी माँ है वो भी अपाहिज है। एक भाई है जो मेरा भाई है, वो चाय बेचता है, उससे क्या होगा? एक एक भाई कमाने वाला है, हम लोग तीन चार लोग खाने वाले। माँ का 8-10 हज़ार रुपया का दवा लगता है महीने में। उसके बाद मेरे को भी इतना मार पीट के घर से निकाले थे लोग। उसके बाद वो लोग भी मेरे को दवा भी रोक करा रहे। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत तंगी है। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ हर महिला हर समाज से कि मुझे मदद किया जाए। पति पत्नी का मामला है और मेरे को न्याय दिलवाइए सभी को कि मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर लिया कि कौन सी पत्नी बर्दाश्त करेंगे। मैं सभी महिलाओं से यही अनुरोध करूँगी कि सामने आकर सभी लोग मेरा सहयोग करें और मुझे समाज में आवाज़ उठाएं इस बात को। मैं यही सरकार से भी, यही सभी महिला से, यही जनता से मैं अनुरोध कर रही हूँ। आज मेरे साथ हुआ है, कल आप लोग के साथ भी हुआ। अगर सामने नहीं आते हैं तो हम सभी लड़कियाँ हमेशा दबी रहेंगे और हम लोग को न्याय नहीं कभी मिलेगा, ना ही सरकार देने सकेगी और ना ही कोई देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गाजीपुर ज़िले के ताजपुर डेहमा के बगल में एक गोसलपुर गाँव है, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। एक महिला के ऊपर बहुत ही बड़ा अत्याचार होता है। इस तरह का इन्होंने बताया है कि मेरे ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ है, इनके पति के द्वारा, इनके सास ससुर के द्वारा। आखिर मामला क्या है, मामला होता कैसे है, यह घटना जो है इतना दूर तक कैसे आती है, और इस घटना को लेकर, इस मामले को लेकर ये कहाँ कहाँ तक गई हैं? आखिर इनका ही पति इनके ऊपर सास ससुर के द्वारा मिलकर इतना बड़ा घटना को अंजाम क्यों देता है? आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि पति को पत्नी के ऊपर हमला करना पड़ा? आपको बता दें कि पति जो होता है देवता का रूप होता है और पत्नी जो होती है घर की लक्ष्मी होती है। आखिर यह मामला इतना दूर तक आया कैसे? सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे क्या हुआ, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ की रहने वाली हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी सिंह है, मैं गोसलपुर की लड़की हूँ और ग्राम सभा खजुहा ग्राम सभा की बहू हूँ वहाँ की। और मैं वेद प्रकाश बेदू की मैं पत्नी हूँ। आज वो किसान मोर्चा के नेता है, जिला अध्यक्ष है और भाजपा के भी मतलब कोई उसमें पार्टी स्तर पार्टी में है, इसी के हूँ मैं। और मेरा काशमाबाद थाना पड़ती है मेरा। मैंने लव मेरी शादी की थी 2014-19 मई को मेरी शादी हुई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे मतलब दो तीन साल ठीक ही था। उसके बाद कुछ दिन रहते रहते उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। करने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई। उसके बाद मैं परिवार वालों से भी कहती थी कि ये कहाँ ये दिन दिन भर रात रात भर गायब रहते थे, घर ही नहीं आते थे। मैं इसके लिए जब भी पूछती थी कि कहाँ रहते हैं क्या करते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं थे। वो घर पर भी नहीं, उनके माँ पिताजी भी कहते कि हम नहीं जानते। मुझे मारपीट कर मुझे हमेशा टॉर्चर करते थे उन्होंने। किस तरह का टॉर्चर करते थे, क्या करते थे आपके साथ? और ये भी नहीं बताते थे कि मैं करता क्या हूँ, और आप संतुष्ट भी नहीं हो पाती थी कि आपका पति करता क्या है? वो यही कहते थे कि अमावा गांव में धनु सिंह नाम का एक प्रधान है, उन्हीं के साथ वो रहते थे। और वो हमेशा यही कहते थे कि मैं डीएम साहब के मिलने जाऊंगी, एसपी साहब के। हमें नहीं समझ में आता है कि डीएम साहब एसपी साहब दिन में मिलते हैं या कि रात में मिलते हैं। हमें हमेशा धनु सिंह भी कहते थे कि हम लोग आज एसडीएम साहब के मिलने जाएंगे, डीएम साहब के मिले तो दिन में ना कोई अधिकारी मिल सकता है, रात में क्या मिलेगा वो। तो उन्होंने मुझे यही झांसा में रखते थे। और उसी गांव की पंचम सिंह की लड़की के साथ वो उठना बैठना सोना बैठना सब कुछ करते थे। धीरे धीरे करते करते वहीं शादी भी धनु सिंह अपनी बहन के साथ करवा दिए थे। और आज उनकी एक लड़की भी हुई है। इसी बात के लिए मैंने जब आवाज़ उठाई तो आज समा मुझे मार पीट कर मुझे घर से निकाला गया। अब वो भी बहुत बुरी तरीक़े से मुझे मारा पीटा गया है कि जो मैं समाज के अंदर मैं ये चीज़ को दिखा रही हूँ कि किसी बहन बेटी के साथ ना हो इस चीज़ को। ये सब चीज़ तो दिखाने वाली नहीं है और मैं मगर मैं मजबूर हूँ इस चीज़ के लिए। ऐसा आप क्यों कर रही हैं? मैं क्यों नहीं करूँ, मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है। मैं भी तो उस घर की बहू हूँ, मैं 6 साल 10 महीना उस घर में रही हूँ, 2014 की शादी। आज मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ आप बताइए, हम कहाँ जाएँ। मैं समाज से भी यही कहती हूँ और मैं योगी बाबा से भी यही कहती हूँ कि मुझे
समाज योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं हर कि तू गरीब की लड़कियों पर क्यों इतना अत्याचार हो रहा है, उसके लिए कहाँ सोए, उसके लिए क्यों नहीं हमारे हमको मदद दिलवा रहे, ना ही मुझे प्रशासन मदद दे रहा है, ना ही मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे मदद है। मैं पोर्टल पर भी इस चीज़ को डाली हूँ, मैं ये इस पर SP साहब के यहाँ भी गई, DM साहब के यहाँ गई, थाने पर भी जाती हूँ तो मेरा सुनवाई नहीं, क्यों वो पार्टी स्तर से, इसीलिए हम गरीब की लड़कियों की कोई मदद नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, आप कैसे कह सकती हैं पार्टी स्तर का वो युवा है और पार्टी स्तर का ही वह व्यक्ति है, आप किस आधार पर कह सकती हैं, कैसे आप जानती हैं कि भाजपा का इतना करीब है, भाजपा के करीबी नेताओं का भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, लगातार आपने देखा होगा भाजपा नेता का भी बुलडोजर चल रहा है, अभी वाराणसी में भी चला है, कई जगहों पे चला है, तो आपको क्या लगता है वो भाजपा नेता है, मतलब आपके मन में इस तरह का संदेह है कि वो भाजपा का नेता है इसीलिए? मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, आज भी मेरे पास उसका फोटो है, प्रूफ में रखी हूँ कि SP साहब के यहाँ जाकर उन्होंने फोटो खिंचवा कर मेरे व्हाट्सएप पर वो उन्होंने दिखाया कि मेरे साथ SP साहब से ये है चला बनाओ, मैंने रखी हूँ उस फोटो को, आप कहेंगे तो मैं उस फोटो को भी दिखाऊंगी। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को जरा वो भी फोटो आप दिखा दें। और एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई थी, जब वहाँ गई थी आप, तो आपके साथ लोग कैसे पेश आते थे, किस बिहेव से? अच्छी व्यवहार नहीं करते थे वो लोग, मारते पीटते थे हमेशा, उन लोग को पसंद नहीं था, मगर मैंने लव मेरे शादी किया, उस समय मैं अच्छी थी, जब मैं उसके घर गई तो मेरे साथ वही लड़की के विवाद होने लगा, वो घर नहीं आने लगा, तो मैंने जब इसके लिए आवाज़, मेरे सास ससुर के भी बर्ताव अच्छा नहीं था। क्या आप मानती हैं लव मैरिज को दोष देंगी या फिर किस चीज को दोष देती हैं या फिर संस्कारों को दोष देंगी, किस को दोष देती हैं? संस्कारों को दोष देती हूं मैं, संस्कारों को दोष देती हूं। देखिए प्यार करना भी एक अपराध नहीं है, प्रेम प्रसंग के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए, उसका एक नियम होना चाहिए, उसका एक कानून होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को, आपने तो प्यार किया, शादी की, और भी बहन बेटियों को कैसा? मैं सभी बहन बेटी से यही अनुरोध करूँगी कि कभी जीवन में प्रेम विवाह ना करें, कभी जीवन में प्रेम विवाह ना करें, मैं यही कहूँगी सभी दर्शकों से। बहुत सी शादियाँ ऐसी भी देखी गई हैं कि प्रेम विवाह है और सुखी संपन्न है, अच्छे से भी हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि प्रेम विवाह भी करना एक गलत है, कैसे कह सकती हैं? प्रेम में आजकल कोई सक्सेस नहीं होता है, प्रेम उतनी देर ही प्रेम कर रहे हैं सब कि जब तक उसके घर नहीं गए हैं तब तक, और घर जाने के बाद वो प्रेम नहीं रहा उसके साथ वो प्रेम नहीं रहा। तो दर्शकों आपने देखा इनके साथ बहुत गलत तरीके से, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि मेरे साथ बहुत मानसिक प्रताड़ना हुई है, काफ़ी शारीरिक और मानसिक जो प्रताड़ना हुई है इनके कहे अनुसार, अब यह तो जांच का विषय है, जांच होना भी चाहिए। अब देखिए आपने प्रेम विवाह के बारे में बताया, अब ये जानना चाहूँगा कि अब करना क्या चाहती हैं आप, मान लीजिए आप पति से आपको तलाक देने की लगातार बात कर रहा है, आपको दूर हटाने की बात कर रहा है, आप फिर उनसे अलग होकर आप करेंगी क्या, आपकी लाइफ भी करीब बीतने की कगार पर है, अब आधा उम्र तो बीत चुका है, अब करेंगी क्या आप? मैं यही करूंगी कि मेरा जो अधिकार है वहाँ मिले, और मैं कभी जीवन में उनको तलाक नहीं दूंगी, जो उनकी हैसियत है उसमें मेरे जो भी हक बनता है, मैं सरकार से भी और मैं प्रशासन से भी यही अनुरोध करूंगी कि मुझे मेरा अधिकार दिया जाए, और मैं योगी बाबा से भी यही बात कहूंगी कि मुझे ये चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि गाजीपुर में आए दिन क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, आप अपने प्रशासन को ये दिखाइए कि मतलब हम लोग के साथ कितना सुना जा रहा है लड़कियों की बात। जब जब कासमाबाद थाने पे आप गई होंगी, आपके साथ वहाँ की प्रशासन क्या की? वहाँ की प्रशासन मेरे साथ यही किया कि मुझे 3 दिन भूखे प्यासे बैठा दिया, और ना ही मेरा एप्लीकेशन दर्ज किया था। जब मैंने वहाँ जब आत्मदाह के कहने लगी कि मैं आत्महत्या करूँगी, तब मेरा प्रशासन उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिखा, और उसके बाद मुझे डॉक्टरी भी कराया, जो कि मेरे पास रिपोर्ट भी है डॉक्टरी की पूरी, और उसके बाद मुझे ले जाकर एक्सरे कराया गया गाजीपुर से ले कर कसमाबाद तक। उसके बाद किया गया, ना ही मुझे 3 दिन कोई पानी दिया, ना ही मुझे कोई 1 बॉटल पानी दिया, ना ही मुझे रहने के लिए कोई व्यवस्था दी है, ना ही बैठने के लिए। मैं एक वहाँ पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी।
तो कासमाबाद थाने पे आप पीपल के पेड़, पीएम मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं मोदी जी से यही अनुरोध करूंगी कि किसी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगा रहे हैं, कहाँ बेटियों के साथ न्याय मिल रहा है? मैं मोदी और योगी जी से दोनों जैसे, मैं भी उत्तर प्रदेश की लड़की हूँ, कि मैं योगी जी से भी यही अनुरोध करूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। और मैं हर महिलाओं से यही कहूँगी कि मेरे साथ जो हुआ है, हर महिलाओं आगे आकर समाज को ये दिखाएं कि हम लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, और हम लोग को न्याय के लिए हम लोग एकजुट होकर अपनी समाज के सामने हम लोग को इस बात को रखा जाए कि तो कि तभी तो हम सबको न्याय मिलेगा। कहीं आप दोषी पाई जाती हैं तो क्या होना चाहिए? मुझे दंड दिया जाए, मुझे दंड दिया जाए, मैं ये कहती हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं तैयार हूँ, मैं दंड सहने के लिए तैयार हूँ। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आए दिन बहुत सी ऐसी महिलाओं का मामला देखा गया है कि महिला दोषी है और पुरुष को प्रताड़ित कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको जांच कराइए। मैं आज भी कर रही हूँ, कल भी कर रही हूँ, कि दूसरी शादी किया मैंने, थाने पर गई, थाने वाले मुझे डांट कर भगा दिए, कासमाबाद वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम किसी को हत्या कर दें, ये बात मुझे रखा गया। मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ चले और मैं खुद रंगे हाथे पकड़ाऊंगी कि कौन क्या कर रहा है। मैं सच बुक का साबूत है जो आप हर चीज की साबूत है, लड़की की भी साबूत है, वो भी साबूत है, मैंने सब कुछ मैंने साबूत रख कर मैं समाज के सामने ये कह रही हूँ। मैंने साबूत इनके हाथों में देखा है तब मैं इस मामले को संज्ञान में लिया हूँ। मैं फोटो भी देखा हूँ, तस्वीर भी देखा हूँ, और कुछ ही दिन में वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो प्लीज इनका बात जो है सत्यता है, इस मामले का संज्ञान लिया जाए। जो भी यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनके द्वारा बताया गया, इनके द्वारा देखा भी गया, इन्होंने मुझे दिखाया भी, मैं भी उस घटना को देखकर हैरान हो गया, आखिर यह घटना हो कैसे सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस पीड़ित महिला को काफ़ी प्रताड़ना किया गया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कोर्ट में पहुंची थी, कोर्ट में जब पति और पत्नी सामने हुए थे तो जज साहब ने क्या फैसला सुनाया था। आप नेक्स्ट वीडियो में पूरे मामले को जानेंगे इस महिला के माध्यम से। लेता हूं विराम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।